ऑप्शन देने वाली बात ही नहीं है, टेस्ला इज अ बेटर ऑप्शन मेरे लिहाज से, टाटा दी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वजीहा। वजीहा, मुझे ये बताएं कि दो बड़ी कंपनीज हैं कार्स की, ठीक हो गया, एक टाटा है एक टेस्ला है, दोनों ने 2018 के अंदर इनिशिएटिव लिया था, इन कार कंपनीज को चलाया था, ठीक हो गया, और एक इलेक्ट्रिक है जो कि टेस्ला है, और दूसरी जो उनकी है वो उन्होंने अब इलेक्ट्रिक कार्स बनाना स्टार्ट की हैं, तो आपके ख्याल में जो टेस्ला है वो बहुत पुरानी भी है और बहुत अच्छी भी है, और उसकी देखा जाए तो डिमांड बहुत ज़्यादा है एलन मस्क की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, एलन मस्क की तो वैसे ही अकेले ही डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनकी तरफ से जो कार्स आएंगी उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा, और इलेक्ट्रिक कार्स मेरे ख्याल में इनका जैसे जैसे दौर वास्ट हो रहा है ना, अब जाके पाकिस्तान में लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आता है कि इलेक्ट्रिक कार्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ उन लोगों ने एलन मस्क ने बहुत पहले ही कर दी हुई थी शुरू, तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई ऑप्शन देने वाली बात ही नहीं है, टेस्ला इज अ बेटर ऑप्शन। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि जो टाटा कंपनी है वो अपनी जो कार्स हैं वो बड़े सस्ते रेट पर बनाती भी हैं, चीपर रेट होते हैं उनको, और अपनी वहाँ को बड़ी फैसिलिटेट करती हैं, और साथ में कह लें कि एक जो एवरेज बंदा होता है ना वहाँ का, वो कार परचेज कर सकते हैं, वहाँ की जो 12 लाख की कार है ना, इलेक्ट्रिक कार उन्होंने जो बनाई थी उसका नाम मुझे भूल गया, और वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर की जाए तो यहाँ पर वो 28 लाख कितने की बनती है, तो इतना प्राइस डिफरेंस क्यों आता है यार? पता नहीं। हाँ वही मैं सोच रही हूँ कि पाकिस्तान में तो मेहरान भी शायद अब 12 लाख की नहीं मिलेगी, जितने बुरे हालात यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली यार उनके पास रिसोर्सेज हैं, अब भी पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो दे कैन अफोर्ड, दे कैन डू दैट, तो वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इसी वजह से वो डेवलप्ड भी हैं। हमारे यहाँ तो जैसे रमज़ान आता तो खजूरों के रेट कम करने चाहिए, वो बढ़ जाते हैं। सही हो गया। तो बहुत सारी हमारी अपनी कोताहियाँ हैं इसमें, हम किसी और को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर ओन जोन, तो माशाल्लाह वो कामयाब भी हैं, गाड़ियाँ भी सस्ते रेट पे बना रहे हैं, और सक्सेसफुल भी हैं, नाम भी है, मकाम भी है। सही है। थैंक यू सो मच। टाटा या टेस्ला कौन सी कंपनी आपको बेस्ट लगती है कार्स के लिहाज से? कार के लिहाज से देखें तो अमेरिका एक बड़ा कह लेंगे सुपर पावर है, तो उसके लिहाज से जो टेस्ला है एलन मस्क की कंपनी है उसको वो काफ़ी एडवांस है, लेकिन कह लें कि अभी जो इंडिया है काफ़ी बैकग्राउंड इलाका है, काफ़ी कह लें कि अभी वेल डेवलप डेवलप नहीं है, तो फिर उस लिहाज से देखें तो कंपीट जो टाटा ने किया है, अभी जो टेस्ला है उसकी सिंगल चार्जिंग पर 700-800 चलती है, जो कि तकरीबन मैक्सिमम 2 घंटे में होती है, तो जो टाटा है वो 4 घंटे में 5 घंटे में होती है, वो 400-500 किलोमीटर करती है, तो उससे लिहाज से देखें तो टाटा ने काफ़ी अच्छा कंपीट किया टेस्ला को, तो चूंकि पाकिस्तान में तो अभी अपना इंजन नहीं है तो बैठी उसने कहा बनाई नहीं है, तो मेरे लिहाज से मेरे देखने से जो टाटा है जो कि जमशेद टाटा ने 19वीं सेंचुरी में जो शुरू की थी, जो उसको बढ़ाया रतन टाटा ने, तो उसमें इंडिया ने बड़ी ज़्यादा तरक्की की है। अगर स्टील में देखें तो उनकी काफ़ी अच्छी जो कह लें कि टेक्नोलॉजी टाटा के पास है, टाटा इंडिया की नहीं एशिया की बहुत बड़ी कंपनी है। सही हो गया। तो टाटा मेरे लिहाज से टाटा दी बेस्ट। टाटा वैसे कहते हैं कि टाटा इसलिए भी वैसे है क्योंकि उसमें एक मीडियोकर जो बंदा है वो अफोर्ड कर सकता है, टेस्ला को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो टेस्ला की मतलब कि देखा जाए तो टेस्ला के जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक हो गया, एज़ कम्पेयर टू टाटा, तो दोनों का जो कंपैरिजन है वो बनता है या नहीं? दोनों को कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन कंपैरिजन इस तरीके से बने भी हर एक ले सके, जो टेस्ला का मेरे ख्याल है जो लो वेरिएंट मॉडल है उसमें भी अगर हाई फीचर्स देखें तो वो आते हैं, उसमें ऑटो पायलट मोड है, आप तकरीबन 120 की स्पीड पर अगर यहाँ से मरी का लगा दें ऑटो पायलट तो वो गाड़ी 120 की स्पीड पर चलेगी बगैर किसी ड्राइवर के, लेकिन अगर आप टाटा का लगा दें तो टाटा में कह लें कि वो इतना अच्छा फीचर्स नहीं है, तो टेस्ला का तो अपना एंड्रॉयड टेस्ला है, तो उसको वो गूगल का एंड्रॉयड नहीं यूज़ करता जो कि हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो उसका अपना एंड्रॉयड है, तो वो उसके फीचर काफ़ी हाई हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टाटा, टाटा जो है कह लें कि वो अभी इंडिया की है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर या चौथे नंबर भी हो गया ज़्यादा, तो एज़ कम्पेयर टू टाटा, टाटा भी कुछ कम नहीं है टेस्ला से, टाटा के अंदर जो फीचर्स हैं वो अफोर्डेबल हैं। सही है। टेस्ला के फीचर अफोर्डेबल नहीं है। सही हो गया। टेस्ला की तकरीबन जो लो वेरिएंट है वो 35,000 डॉलर का है, और जो इंडिया की है वो इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 10-20 लाख, जो पाकिस्तानी तकरीबन 25-50 लाख बनते होंगे, तो उस लिहाज से एज कम्पेयर टू टाटा, टाटा बेस्ट। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई कंपनी है ऐसी आपको लगता हो कि जब से आप पैदा हुए हैं आपने सुना हो कि हमने अपनी जो कार्स हैं वो खुद प्रोड्यूस की हैं और इतने रेट पर हमने अपनी आवाम को नहीं दी? अभी टाटा ने जो ये टाटा नैनो दी थी वो उसकी वर्थ 1 लाख थी, तो उसे हर कोई अफोर्ड कर सकता था, और एक थकी गाड़ी जिसे आप कह लें कि थोड़ा सा दबाएंगे तो वो उसे डेंट आ जाएंगे, मेहरान वो जब बंद हुई है तो वो 10 लाख की हुई है। अभी जो आल्टो है बिल्कुल नाकिस तरीन गाड़ी है, उसमें कह लें कि कोई फीचर नहीं डाला। सही है। कोई फीचर नहीं डाला, जो सबसे लो वेरिएंट है, इसकी हथियाँ जो मैनुअल है, जो कह लें कि वो खड़ाका सिस्टम है, वो अभी भी 22 लाख की है,
तो मैन्युफैक्चरिंग में तो कह लें कि पाकिस्तान अभी तो सिर्फ एक चाइना के मोटरसाइकिल में खुद मुख्तार हुआ है, आज से 3 या 4 साल पहले तो पाकिस्तान की अपनी सुई भी नहीं थी। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। मुझे ये बताएं कि अगर आपको टाटा और टेस्ला में से किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करना पड़े, बल्कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है, टाटा या टेस्ला? नहीं, मैंने तो जो गाड़ी चलाई हुई है वो इन दोनों में से ये वो कार नहीं है जिसका आप हवाला दे रही है, लेकिन इनके जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं देख चुका हूँ, उसमें मुझे जो टाटा वाले हैं वो बेस्ट लगे हैं। उनकी कार की गारंटी है कि व्हेनेवर यू ड्राइव दिस कार यू टेक एंड एंटरटेन द फुल कंफर्ट आउट ऑफ इट। सही हो गया। तो टेस्ला में ऐसी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है जो कि बहुत पहले बनाना स्टार्ट की थी एलन मस्क ने, आपने टाटा को सिलेक्ट किया क्योंकि आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक कार जो है वो अब बनाना स्टार्ट की हैं और 2008 में दोनों कंपनीज अपने इनिशिएटिव्स लिए थे, तो आपके ख्याल में जो टेस्ला है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, नो डाउट टाटा भी है, तो टेस्ला ज़्यादा बेनिफिशियरी नज़र आती है? नहीं, वो टेस्ला जो है वो जो मीडियोकर लोग हैं उनकी वो पावर से वो बाहर है, और वो गाड़ी बहुत अच्छी होगी। मैंने वो नहीं चलाई लेकिन मैंने उसके जो स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, बाज़ चीज़ें उसमें टाटा से बहुत बेहतर हैं। फॉर एग्जांपल उसमें सिग्नलिंग बहुत बेहतर है, उसमें जो डेंजर एप्रीहेंशन है, रोड एक्सीडेंट है उसके हवाले से उसके अंदर बहुत सारी मैयर्स हैं। उसमें एक ऐसी खूबसूरत मैयर भी है कि अगर आपकी गाड़ी सिरात मुस्तकीम से या मेन लाइन एंड लेन से हटती है तो इंटरनली आपको मैसेज दे देती है, इस मैसेज के तहत आप जो है अपनी लाइन पे आ जाइए। ये फंक्शन तो टाटा वाली गाड़ियों में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी बाइंग कैपेसिटी जो है उसके मुताबिक अगर आप जाएं तो टाटा की गाड़ी जो है वो दी बेस्ट है, और उसके फंक्शन इतने इनफ हैं कि आपकी जो ड्राइविंग की जो जेस्ट है, जील है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं आप। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएंगे कि टेस्ला और टाटा के जो दोनों की बेनिफिट्स हैं, जो दोनों के अंदर अगर उन दोनों को एक्सचेंज कर दिया जाए तो? नहीं, वो एक्चुअली जो कंपनीज होती हैं, याद रखिएगा, उनका जो वजूद होता है वो अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स के वजह से होता है। तो गाड़ियों के जो डिस्टिंक्ट फीचर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, कुछ और भी हैं, वो उनकी वजह से ये मुमकिन नहीं है कि वो उनको रिप्लेस या आपस में सब्स्टिट्यूट कर पाएँ। ये टेक्निकली, प्रैक्टिकली और लीगली ये एक एबनॉर्मेलिटी कह लें या ये इम्पॉसिबिलिटी होगी। इसको सोचा तो जा सकता है लेकिन प्रैक्टिकली वो इसको कभी भी नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर यही होगा कि दो कंपनीज का मर्जर हो गया, या मर्जर हो जाएगा तो फिर एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर आपको दो गाड़ियां। टाटा ने ऑफर की थी टेस्ला हो गया आप हमारे मुल्क नहीं, वो टेस्ला कभी भी नहीं मानेगा। टाटा तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये काम कर रहा है, लेकिन उसको शायद ये इजाज़त ना मिल सके। सही हो गया। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो टाटा कंपनी है वो अपने जो वहाँ के लोग हैं उनको बड़ा अच्छा फैसिलिटेट करती है, एक मीडियोकर बंदा जो होता है, सॉरी, वो परचेज़ कर सकते हैं उनकी कार को, तो हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम ऐसी कार्स को परचेज़ कर सकें, हमारे तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। नहीं, उसमें गुजारिश ये है कि जब आपका प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर बन जाएगा और प्रोडक्शन यूनिट पर एक वन लाइन के ऊपर सारा जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होकर गाड़ी जो है वो शोरूम तक आ जाएगी, तब ये मुमकिन हो पाएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पावर सेक्टर जो है उसको एक्टिवेट करें और उनको पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंतहाई सस्ती करके दें। एटॉमिक फ्यूजन से अगर आप बिजली बना लें तो आप गाड़ियाँ बनाने में सबको पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो कौम है उसमें कोई ऐसा स्टफ है, कोई ऐसा फ्लेवर है कि वो किसी को भी जो है वो उसमें नॉकआउट कर सकता है। एंड आई एम विद इट, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अवैस। अवैस, मुझे ये बताएं कि अगर आपको टाटा या टेस्ला कौन सी कंपनी बेस्ट लगती है? देखिए, गाड़ी अगर देखी जाए तो टेस्ला की बेस्ट है। हाँ। लेकिन अगर देखी जाए जेब की तरफ से तो टाटा। सही हो गया। टाटा क्यों बेस्ट है अगर जेब इजाज़त दे रही है हमें तो? जेब इजाज़त की बात आप कह रही हैं तो देखिए, अगर वहाँ पर गरीब माँ के लाखों रुपये की गाड़ी ले सकता है, ठीक है, और अगर यहाँ पे टेस्ला देखा जाए तो वो करोड़ों में गाड़ी है। सही हो गया। अमीर बंदा भी बहुत मुश्किल अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, जो टेस्ला है वो इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी जबरदस्त कार सुनने में आती है, और जो टाटा है वो एशिया की बेस्ट कार है। सही हो गया। और अगर हम नैनो टाटा की बात करें तो वो 1 लाख रुपए की है, जो कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो आवाम बड़ी खुशी से परचेज करने जाती है। सही हो गया। और हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर हुई हूँ, कार मैन्युफैक्चर, और इतने में हमें मिल रही हो? कोई भी नहीं। यहाँ पे मेहरान देखी जाए, ये पीछे एक गाड़ी खड़ी है आल्टो, माचिस की डब्बी अलग है, लेकिन ये भी आज 22-23 लाख की मिल रही है। यहाँ पे गरीब हम क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे वहाँ पे तो चले 1 लाख रुपया गरीब मांग के भी गाड़ी ले सकता है, यहाँ पे गरीब मांग के भी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। सही हो गया। घर की रोटी पूरी कर ले, बहुत है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो टाटा है, सारे जितने लोगों से मैंने पूछा, इन सारों ने कहा कि जो टाटा है वो बेस्ट कंपनी है। ठीक हो गया, मतलब कि अफोर्डेबल है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर फीचर्स की बात की जाए तो टेस्ला बहुत बेस्ट है। मैंने आपको पहले बात की, अगर फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो टेस्ला वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। उसकी कार्स हैं, फीचर्स उसमें बहुत आउटक्लास है, लेकिन अगर जेब ज़्यादा देती है तो। दूसरी तरफ देखा जाए टाटा है, वो जेब के हिसाब से गरीब बंदे के लिए वो बेस्ट है।
फैमिली अपनी लेके जा सकता साथ। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी कार है जो कि एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है? मिडिल क्लास तो कुछ भी नहीं, साइकिल अफोर्ड कर सकता अभी तक बस। ऐसा क्यों? यहाँ पाक ही रहोगी 30-70 जो 30-40 हज़ार में सेकंड हैंड मिल जाती है बस वो। सही हो गया। अच्छा, कार की बात दूर दूर तक ना करें। सही हो गया। अच्छा, आपको कभी मौका मिले टाटा से कोई भी कार परचेज करने को तो आप करेंगे? मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी ड्रीम कार जो है वो कुछ और है। सही है, ठीक है। ड्रीम कार टेस्ला तो नहीं? टेस्ला है, फॉर्च्यूनर है, ऑडी है, मेरी ड्रीम कार। सही, इंशाल्लाह अनकरीब बाय करूँगा।